फटा देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए ताकि 4 सितंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बड़ी हल्ला बोल रैली कर रही महंगाई के खिलाफ। और इस वक्त मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, और इनके हाथ में जो आप पोस्टर देख रहे हैं वो साफ तौर पर एक मिस कॉल रिलीज किया गया है बाकायदा कांग्रेस की तरफ से, और ये नंबर है 9625777907। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, इस पर कोई मिस कॉल करेगा इसका मतलब क्या होगा? देखिए, सीधा इसका एक संदेश है, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी आह्वान कर रही है कि जुड़िए इस रैली के साथ, जुड़िए। जो लोग आहत हैं, परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, पूरे मुल्क से तो लोग अपना काम धंधा छोड़ करके आ नहीं सकते। जो मजदूर है, जो दो हाथ के लिए सुबह रोजगार चाहता है, घर से निकलता है, वो तो रैली में सम्मिलित नहीं हो सकता, लेकिन वो पीड़ित है, परेशान है सरकार की नीतियों से, तो अपना समर्थन अपने मोबाइल से दे सकता है। इसीलिए आज हमने दिल्ली प्रदेश के अंदर ये मिस्ड कॉल एक नंबर हमने जारी किया, जो दिल्ली कांग्रेस कमेटी का नंबर है, इसमें अपना समर्थन इस रैली के लिए दे सकते हैं। और जो लोग वहाँ रैली में पहुँच सकते हैं, क्योंकि रविवार का दिन है, स्वाभाविक है छुट्टी होती है, लोग वहाँ भी पहुँचेंगे, लेकिन किसी कारणवश यदि नहीं रैली में पहुँच पा रहे हैं तो अपना समर्थन इस नंबर पे दे सकते हैं। राहुल जी इस रैली को संबोधित करेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे कि देश के अंदर 8 सालों में ऐसा क्या हो गया कि जो 70 साल में नहीं हुआ, वो महंगाई आज आसमान को छू रही है, गरीब आदमियों की कमर तोड़ रही है। अभी अनिल जी, आप लोगों ने आंकड़ों के जरिए 70 साल बनाम 8 साल, यानी 8 साल केंद्र सरकार के और 70 साल कांग्रेस के, आंकड़ों के जरिए आपने बताया, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, संदेश बहुत साफ है, 70 साल करके देश की जनता को गुमराह किया। 2014 में आपने जनता को भ्रमित किया, और आपने ये एक जो संदेश दिया कि महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, उस समय बड़े आंदोलन किए गए, इनकी दर्जनों भर जो नेत्री आज चुप बैठी हैं, ये प्रश्न पूछा करती थी, गैस सिलेंडर लेके धरना दिया करती, तो आज उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। 70 साल में जिस गैस सिलेंडर के रेट 400 रुपये हुआ करते थे 2014 में, आज वो 8 साल में लगभग 1100 से ज़्यादा के रेट हो गए। जिस दूध की कीमत, आपको पता है ये हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश कहा जाता है, आज भी है, दूध का उत्पादन भगवान कृष्ण के समय से भी होता रहा है, तो ये जिस दूध की कीमतें 70 साल में 30 रुपये हुआ करती थी, आज वो 62 से 65 रुपये हो गई। 8 साल में ऐसा क्या हो गया? आटे, दाल, दूध, दही पे GST लगा करके आप लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। तो हमने जो 70 साल बनाम 8 साल, संदेश सीधा है, जो 70 साल में महंगाई नहीं हुई वो आपने 8 साल में कर दी, और ये अंतर दिखाता है। पेट्रोल डीजल जो 55 से 70 रुपये हुआ करता था, आज 100 के पार हो चुका है। ये जो मिस कॉल है, फोन नंबर है, और ये जो रैली है, इसके जरिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। आपको नहीं लगता है कि लोगों के बीच में जिस तरह से पहुंचना चाहिए, इन आम मुद्दों के जरिए आप उन तक पहुंचेंगे? देखिए, जब एक शासक तानाशाही हो जाए, और तानाशाही का आप चरित्र जानते क्या, तो जब सबको अनसुना कर दे, अपनी प्रजा से लेकर के विपक्ष की आवाज़ को अनसुना कर दे, तो ये हर चीज़ की एक अति जो होती है, जो अंत होता है, वो साफ दिखता है। तो लगातार जो मैंने 1 साल का आपको ब्यौरा प्रस्तुत किया, 1 साल में 7 बड़े आंदोलन तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2021 और 22 के बीच में किए, जिसमें जयपुर की रैली भी है, सिग्नेचर कैंपेन है, तमाम कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियां। लेकिन आप देखेंगे, निरंतर 2014 से, शुरुआती 1-2 साल को छोड़ दो, उसके बाद निरंतर कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाती रही है। हार जीत चुनाव के कई कारण होते हैं, कई रीजन होते हैं, धर्म का जो आड़ लिया जाता है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इस मुल्क में 100 करोड़ 125 करोड़ से ज़्यादा की जो आबादी है, उसमें जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, पिछड़ा है, जो परेशान वर्ग है, उसकी आखिर लड़ाई लड़ कौन रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा और अब हल्ला बोल रैली, इन तमाम जमीन से जुड़े मुद्दों के जरिए दरअसल कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वो आने वाले वक्त में आम लोगों से जुड़े, और वह एक तरह से आउटरीच प्रोग्राम भी है जिसके जरिए वो लोगों तक अपनी पहुंच बरकरार रखना चाहती है, और उन तक ये बताना चाहती है कि केंद्र सरकार को अगर कोई घेर सकता है आम लोगों के मुद्दे पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है।